मतलब विज्ञापन तो निकला था मतलब पूर्ण कालिक के लिए, तो सारी शिक्षा तो सर पूर्ण कालिक का ही सब्जेक्ट था। शारीरिक शिक्षा हाँ नहीं, अगर नियम तो देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा फुल टाइम टीचर का नहीं है, ये शारीरिक शिक्षा जो है। ये कह रहे सर एक वो मैटर आपको एक बार मैंने बताया भी था, कस्तूरबा गांधी का फुल टाइम पार्ट टाइम वाला केस चल रहा है, तो जैसे मतलब इसमें कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं, फुल टाइम पे वो विज्ञापन निकला था। तो अब जैसे ही ये चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार का गठन हो गया है, अब आगे घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, बजट भी आने ही जा रहा है, तो जल्द ही उम्मीद है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना भी शुरू हो जाएगा और उसी के तहत वर्षवार नियुक्ति जो होना है, 6-7 लाख जो भी पद खाली हैं सब पर, तो वो जल्द ही शुरू होगा। और शुरू होगा तो प्रथम चरण में आप आ ही जाएंगे, 2011 से 2018 वालों का पहले चरण में होना है। अभी आप जो है बात कर रहे थे नियुक्ति के लिए 2011, वो किसके लिए बात कर रहे थे, कौन है? अपने लिए, अपने लिए। अच्छा, आप हैं 2011 वाले। हाँ, हमारी आप तो तीसरी बार बात हो रही सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो पीके सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, योगेश बोल रहे सर औरैया से। हाँ जी बताइए। हाँ सर, वो उसमें बता रहे थे आप, वो आयोग बन गया दो जगह, दोनों जगह, तो सर वो टेट 11 से 18 वाला बैच क्या इसमें क्या होगा सर? आयोग बन गया तो वो तो न्यूज है ना, आप भी अखबार पढ़ रहे होंगे, अखबार में न्यूज आ रहा है लगातार क्या क्या हो रहा है विभाग में। हाँ तो अब आयोग बन गया है, अभी चुनाव का समय था, चुनाव चल रहा था। हाँ सर, अब चुनाव जब हो चुका है तो सबको जो है जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और संसद सत्र चल रहा है, अभी बजट जो है आने वाला है। अब अच्छा सर, गवर्नमेंट आगे क्रम से धीरे धीरे एक एक चीज बताएगी ना, क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अभी तो बजट आना है और यूपी के अंदर जो है यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था, उसमें सदस्य चुन लिए गए थे, इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष भी बना दिए गए थे, चुनाव के दौरान ही ये सब हो गया था। अब जो है अब परमानेंट अध्यक्ष के जो है चयन की प्रक्रिया चल रही है, और न्यूज आया था कि जुलाई में ये चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो संभावना है कि यूपी के अंदर जो है जुलाई बाद पुरानी जो भी भर्तियां पेंडिंग हैं या कोई रिजल्ट पेंडिंग है वो सब क्लियर होगा, पुराने एग्जाम होंगे, इसके बाद नया सुपर टेट वगैरह आएगा प्राइमरी का, जूनियर का। हाँ, और जो वर्षवार नियुक्ति की बात, जूनियर में भी वैकेंसी आएगी सर? बिल्कुल आएगी, जूनियर में अभी तक क्या था कि ज्यादातर पद जो है प्रमोशन से भरे जाते थे। हाँ सर, तो नए नए नियम बन रहे हैं, नया आयोग बन चुका है, तो अब जो है डायरेक्ट जो है न भर्ती होगी कि जो है बस मेरिट पर भर्ती हो जा रही है डायरेक्ट, वो भी नहीं होगा, और न ही प्रमोशन से डायरेक्ट उसमें किसी को जाने दिया जाएगा। अब वहाँ पर भी भर्ती आएगी, एग्जाम होगा, उस एग्जाम में जो भी लोग बैठना चाहें, चाहे वो कार्य शिक्षक हों प्राइमरी वाले या अन्य लोग, वो लोग बैठेंगे, जो उसमें जो है कंपटीशन बीट करेगा उसका सिलेक्शन होगा। जो प्राइमरी के टीचर लोग हैं उनको हो सकता है वेटेज वगैरह कुछ दे दिया जाए, उम्र में छूट कुछ दे दिया जाए, लेकिन एग्जाम तो उनको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो भर्ती अच्छा उसकी भी आएगी। जैसे एडेड जूनियर की भर्ती आई थी तो वहाँ पर एग्जाम के थ्रू जो है भर्ती हो रही है, उसका रिजल्ट आना पेंडिंग है, एग्जाम हो चुका है, वही प्रोसेस यहाँ भी रहेगा। तो प्राइमरी की भर्ती 51,000 या 80,000 जो भी चर्चा में रहता है, देखिए कितना आता है, कितने पद रहते हैं, तो जल्द ही देखने को मिलेगा 80,000 पद आएंगे। ये तो देखिए लोगों के बीच में चर्चा का विषय है, अपना जहाँ कहीं से जो भी इन्फॉर्मेशन मिला उसको लेकर के वो चर्चा शुरू कर, लेकिन जब तक ऑफिशियल घोषणा ना हो जाए, ऑफिशियल लेटर ना जारी हो जाए, कहा नहीं जा सकता कितने पद होंगे। पेपर पढ़ा था मैंने, 80,000 पद भरे जाएंगे। तो पेपर वालों को क्या है, वो तो अभी जो है कोई भी न्यूज मिल जाए वो कन्फर्म करेंगे, नहीं सही है नहीं सही, वो छाप देते हैं। सर एक बात पूछना चाहता हूँ सर, एडेड विद्यालय 200 जो पुराने विद्यालय कुछ मान्यता प्राप्त विद्यालय थे, उनमें जो एड पे जो प्राइमरी जो चल रहे हैं कक्षा में,
तो वो PM3 में कुछ विद्यालय 208 पे आए हैं सर। तो हमारे इटावा में भी दो है, औरैया में भी दो है। तो उसमें सर क्या वो तो मैनेजमेंट करेंगे अपने हिसाब से, पैसे भी लेंगे वो तो। देखिए, तीन तरह के विद्यालय संचालित हो रहे हैं। एक तो हो गया, गवर्नमेंट कर रही है पूरी तरह से, गवर्नमेंट ही सब कुछ देख रही है। और दूसरा हो गया एक प्राइवेट, पूरी तरह से प्राइवेट के हाथ में है। और तीसरा है एडेड, इसमें मैनेजमेंट होता है प्राइवेट के हाथ में, लेकिन हाँ उस पर देख रेख सारा चीज़, उस पर कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो जो हाँ गवर्नमेंट और एडेड स्कूल हैं, तो इनमें जो है स्कूल का अलग अलग लेवल बनाया जा रहा है। अच्छा जैसे सर जैसे रेस होता है, रेस में मान लीजिए कि 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग दौड़ रहे हैं, तो उनमें जो है दौड़ इस बात की हो रही होती है कि कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकेंड आएगा, कौन थर्ड आएगा। पढ़ाएगा। अगर ये हो जाए कि जितने लोग दौड़ेंगे सबको ट्रॉफी मिलेगा, सबको प्राइज मिलेगा, चाहे जितना टाइम में दौड़ें, चाहे अच्छा परफॉर्म करें या अच्छा परफॉर्म न करें, सबको मिलेगा। तो क्या कंपटीशन में जो लोग अपना परफॉर्मेंस सुधारते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आगे निकलने की कोशिश करते हैं, क्या वो कोशिश तब भी जारी रखेंगे? नहीं रखते रखेंगे। सब मिलना सबको है, तो हाँ कंपटीशन जो है खत्म हो जाएगा। लोगों के माइंड में जो है कि हमको फर्स्ट आना है, इस तरह का कोई बात रहेगा नहीं। नहीं उनको खुश रहेगा रहेगा कि सर। अरे चलो हम भी शामिल हो जाते हैं, दौड़ेंगे हमको भी मिल जाएगा। तो कंपटीशन और हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। तो कंपटीशन तो जरूरी है सर। हाँ, तो जो स्कूल हैं, इन स्कूलों में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, अभी तक टीचर्स का आपने देखा होगा, मैक्सिमम टीचर्स जो है वो सैलरी तो ले रहे हैं पूरा पूरा हर महीने, लेकिन जितनी सैलरी ले रहे हैं, जितना उनको अपना योगदान देना चाहिए विद्यालय को, जितने मन से काम करना चाहिए, उतने मन से वो काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे सर, 100 रुपये हाँ, का भी काम नहीं कर रहे सर। तो पहले तो बिल्कुल भी कंडीशन सही नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी, लेकिन गवर्नमेंट जैसे जैसे व्यवस्था में परिवर्तन कर रही है, वैसे थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो पाया है। तो गवर्नमेंट उसको एक हेल्दी कंपटीशन के रूप में कन्वर्ट करना चाहती है, ताकि जो टीचर्स हैं उनके अंदर ये भावना जगे कि हमको बेहतर करना है। तो उनके लिए भी तरह तरह का जो है टारगेट बना रही है, पुरस्कार वगैरह देने का। स्कूल भी पूरे के पूरे एक समान हैं, चाहे किसी स्कूल में पढ़ाई हो रही हो, चाहे किसी में न हो रही हो, सब एक समान हर साल जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जब स्कूलों का जो है ग्रेड बनाएंगे, उनको अलग अलग ग्रेड देंगे, PM3 या जो भी इस तरह से बना करके, तो एक स्कूल को देख करके अरे उस स्कूल में ऐसा हुआ है, दूसरा स्कूल भी प्रयास करेगा हमारा भी स्कूल वैसा हो जाए, है हो ना? जाए। नहीं तो अभी भी हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे टीचरों से, तो उनका कहना होता है कि अरे हमारे यहाँ तो वो वाले मास्टर जी तो आते ही नहीं हैं, देर से आते हैं, वो जब काम नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, अरे बगल वाले स्कूल में तो ये चीज़ होता नहीं है तो हम क्यों कराने जाएं। यानी कि ये नहीं अभी तक है कि वहाँ ये चीज़ हो रहा है हमको उससे अच्छा करना, बल्कि ये अभी सोच चल रही है कि वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ ये चीज़ नहीं हो रहा है तो हम क्यों करने जाएं। यानी कि जो करना है वो भी न करने के बहाने ढूंढ रहे हैं। और होना क्या सर चाहिए कि जो करना है वो तो करना ही है, हाँ इसके अलावा अपने दिमाग का यूज करके, अपने टैलेंट का यूज करके कुछ और नई चीजें करनी है और बेहतर करना है। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब दौड़ने वालों को पता होगा कि हम फर्स्ट आएंगे तो क्या होगा, सेकंड आएंगे तो क्या होगा, थर्ड आएंगे तो क्या होगा, और उनके बाद आते हैं तो क्या होगा। सर एक अभी उदाहरण उदाहरण दूं सर। हाँ बताइए। हमारे सफर साहब उसमें जूनियर से रिटायर हुए, बहुत ईमानदार, बहुत मतलब कर्मठ टीचर थे। उन्होंने कभी कभी किसी से लालची नहीं, उन्होंने बिल्डिंग ऐसी बनवाई है, लोग पैसा खा लेते हैं, बारू लगवा देते हैं, इतनी अच्छी बिल्डिंग है। चटौरा का नाम सुना होगा, जय गुरुदेव बाबा का सुना होगा, जय गुरुदेव महाराज जी है ना, जो हमारे ससुराल के ही है, मतलब मामाने में हमारे में, वही उनका गाँव है चटौरा, इटावा में पड़ता है ये। तो अच्छा वहाँ पे वहाँ उन्होंने 30 साल नौकरी लगातार की है सर। और वो गांव बहुत हरामी था, वहाँ कोई टीचर टिक नहीं पा रहा था, तो इन्होंने टीचर तो यही वहाँ टिक पाए थे। तो
तो ये लोग और गांव वाले कुछ ना कुछ हराम पर तो करते ही, गांव वाले रणनीति बनाते रहते थे अपना अपना अच्छा करवाने के लिए ये करना। तो इतना अच्छा कर्मठ थे, उनके चाचा भी एडीवी से रिटायर हुए थे, उनके चाचा हमारे चचिया ससुर, अच्छा वो हाँ वो मतलब मेरे ससुर के मतलब पिताजी एडी बेसिक से रिटायर हुए थे, चाचा थे मतलब पिताजी नहीं चाचा। तो बहुत अच्छे कर्मठ उनके, देखो कर्मठ थे उनकी, देखो दो लड़कियां सेट हो गई सर, एक हमारे लिए है एक है दूसरे के लिए मुझसे छोटे के लिए, और एक बड़ा लड़का बड़ी बहू भी सेट हो गई है। तो उन्होंने कही हम ईमानदारी का खाएंगे तो हमें फलेगा, नहीं खाएंगे गलत खाएंगे तो गलत पढ़ाए। उन्होंने कभी अपने पास टीचर नहीं बैठने दिए किसी को, हम वहां से हटा देते, बोला अपना अपना अपने 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 क्लास में जाइए, पीरियड ले लीजिए जाके। बहुत कर्मठ थे और किसी को वक्त पे नहीं थे, बाद में दोस्ती कर लेते थे, छुट्टी होती थी सब हाथ मिलाते थे सबसे। यही होना ही चाहिए कि काम के समय जिसकी जो जिम्मेदारी है, जिसको जो ड्यूटी असाइन किया जा रहा है, काम के दौरान काम कीजिए, उसमें एक दूसरे का सहयोग भी कीजिए, और एक दूसरे को कोई जो है अगर कहीं पर काम काम नहीं कर रहा तो उसको टोकिए भी, रोकिए भी कुछ गलत कर रहा है तो। लेकिन जब जैसे ही वो काम का समय समाप्त हो, उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ हो गई अपनी, प्रोफेशनल लाइफ, नॉर्मल लाइफ। नहीं नहीं 17 में एक्सपायर हो गए सर। ओहो, उन्होंने अपने लिए ऊपर बोली बोला था बच्चों की शादी होगी लड़कों की, तो अपने लिए एक बैठक बनवा के पहले से रख ली थी कि हमको बहुओं के बीच में नहीं जाना है, अलग जीना बनवाया था बाहर बिल्कुल। अच्छा। तो वो एक्सपायर हो गए, साली की शादी थी, लॉकडाउन था, वो पैसे का नहीं वो हो गया था लफड़ा। अच्छा। हाँ भी नोट नहीं, मतलब नोटबंदी हो गई थी, नोटबंदी पैसे टेंशन में वो पता नहीं क्या वो चले गए एक्सपायर। वो लड़की वाला रुपये मांगने लगा, बोले ये नगद चाहिए रुपये, ये लड़की वाला लगी हुई लड़की दे रहे साले, फिर तुमने रुपये क्यों मांगे, पता नहीं क्या हो गया उनको, खत्म हो गए एक्सपायर हो गए सर। तब हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनका छोटा वाला और छोटी वाली बहू भी लग जाएगी सर, BTC है और CTET टेट दोनों पास है, सुपर टेट की तैयारी चल रही है। अच्छा। और तो उनका परिवार पूरा मतलब उस घर में सर 15-20 लाख रुपए पर महीने आता है, उनके भाई भी लगे सब लगे, सब PM हाउस में क्या नाम टेलीफोन ऑपरेटर है, इंजीनियर हमारी मेरी बीवी की चाची। अच्छा। नई दिल्ली में PM हाउस में। चलिए बढ़िया है, ये सब अच्छी फैमिली है सर। वो जो कहते हैं काम नहीं करोगे तो पैसा फलेगा नहीं। हाँ बिल्कुल। हाँ, और मेरा साला सर एक चचेरा है, वो साला कभी ड्यूटी नहीं जाता है, साला दारू भी पीता है और कभी साला विद्यालय नहीं जाता है। और हाँ साले जो हेडमास्टर होते हैं ना, तो वो साले रुपए लेते हैं पता नहीं क्या, वो उनकी पर जो छुट्टी होने के बाद साइन मार देते साले। चलिए, तो जो भी लोग इस तरह के हैं, धीरे धीरे सिस्टम बदल रहा है। और तो बदल रहा है ना, ये क्या सिस्टम भी बदल रहा है, और ये क्या इनको दंड मिल रहा है ना उनसे, छोटे वाले सबके बच्चे हो गए, शादियां शादी हो गए, बच्चे भी हो गए एक एक दो दो। हाँ, ऊपर वाला तो जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल जरूर देता है। हाँ हाँ हाँ, तो और कोई देखे ना देखे, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा है। अब लोग भले ही ऊपर वाला सब देख रहा है, सुन रहा है, तो कर्म जो है जो जैसा करेगा वैसा ही फल, और यही फल भोग करके ही जाएगा। हाँ, सारा फल यही मिलता है कर्मों के अनुसार। हाँ सही बात है सर। और ये क्या नाम मेरे जो ससुर था, से तब तक ये ड्यूटी पर रहा है, ये था उस टाइम बलिया में, बलिया जब बाहर रहा तब तो बराबर रहा, उनकी उनकी डर की वजह से, उन्हीं ने इसकी BEd कराई थी, वो एक्सपायर हो गए अपने बाप। अभी आप जो है बात कर रहे थे नियुक्ति के लिए 2011, वो किसके लिए बात कर रहे थे, कौन है? अपने लिए। अच्छा, आप हैं 2011 वाले। हाँ, हमारी आप तो तीसरी बार बात हो रही सर। अच्छा, चूंकि बहुत सारे कॉल आते हैं ना, तो इसलिए कंफर्म करना हो जाता है, बात हुई है पहले, इतना याद है, लेकिन हर बात नहीं याद रहती है। तो 2011 वाले आप भी हैं, कितने नंबर थे टेट में? सर 104। चलिए बढ़िया नंबर है। और केंद्र सरकार जो है, अभी कल या परसों का न्यूज है कि घोषणा की है, जो आवास योजना दिया जा रहा था लोगों को, योजना के तहत,
तो उसमें 3 हजार सॉरी 3 हजार कह रहे हैं, 3 करोड़ आवास देने की घोषणा की है। तो अब जैसे ही ये चुनाव खत्म हो गए हैं, सरकार का गठन हो गया है, अब आगे घोषणाएं शुरू हो चुकी हैं, बजट भी आने ही जा रहा है। तो जल्द ही उम्मीद है कि हर कक्षा में शिक्षक योजना भी शुरू हो जाएगा और उसी के तहत वर्षवार नियुक्ति जो होना है, 6-7 लाख जो भी पद खाली हैं सब पर, तो वो जल्द ही शुरू होगा। और शुरू होगा तो प्रथम चरण में आप आ ही जाएंगे, 2011 से 2018 वालों का पहले चरण में होना है। हाँ तो बस थोड़ा सा धैर्य और रखिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। थोड़ा सा अगर इंटरव्यू वगैरह या कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम अगर देना पड़ जाए तो तैयार रहिए, अच्छा सुपर टेट का सिलेबस लेकर तैयारी जारी रखिए। अच्छा सर, तो सर चलिए। ये कह रहे सर, वो मैटर आपको एक बार मैंने बताया भी था, कस्तूरबा गांधी का फुल टाइम पार्ट टाइम वाला केस चल रहा है। तो जैसे मतलब इसमें कैंडिडेट की तो कोई गलती नहीं, फुल टाइम पे वो विज्ञापन निकला था और विज्ञापन के हिसाब से फार्म भरा था, फिर मेरिट बनी, मेरिट बन के उसमें आ गई थी। तो देखिए, अब बात नए बात जो ये नहीं विजय है, किरण है। बात ये नहीं है कि गलती है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका घर है, ठीक है, और आपके घर में मान लीजिए कि जो है काम करने के लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता है, आपने 2 लोगों को काम पर रख लिया। अब आप दोनों लोग उस काम का, दोनों ही पुरुष हैं और आप जो है उनसे काम करा रहे हैं, फिर आपको कुछ समय बाद लगता है कि अगर एक महिला होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो एक पुरुष रहे, एक महिला रहे, अब आपके दिमाग में ये विचार आ गया कि एक महिला एक पुरुष। आप 3 कर्मचारियों का जो है, 3 नौकरों का खर्चा नहीं उठाना चाहते हैं, और लेकिन 2 पुरुष काम कर रहे हैं उसकी जगह आप एक महिला और एक पुरुष करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं तो पुरुष तो सब निकाल दिए उसमें से सर। हमने आपसे क्वेश्चन किया कि आपके घर पर 2 पुरुष काम कर रहे हैं हाँ और बोला तो धन्यवाद सर, आप चाहते हैं एक महिला काम करे महिला और आ जाए। और हाँ एक पुरुष काम करे, हाँ लेकिन लेकिन जो है 2 से आप 3 नहीं करना चाहते हैं कर्मचारियों की संख्या, तो उस हाँ कंडीशन में 2 पुरुष जो काम कर रहे हैं और आप एक महिला रखना चाहते हैं, ये कैसे करेंगे, कैसे संभव होगा? नहीं होगा ना। या तो आप फिर जैसे है चल रहा उन्हीं दोनों पुरुषों से काम चलाइए, या तो फिर आपने अगर ठान लिया है कि नहीं हमको तो एक महिला भी रखना है और एक पुरुष रखना है, तो एक को काम से हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे सर। अब जब आप हटाएंगे तो आपकी चिंता आप अपने घर की है या उस व्यक्ति को नौकरी कहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका घर कैसे चलेगा, उसकी कमाई कैसे होगी, क्या ये विषय आपका है? ये चिंता आपको करना है, ये उसका विषय नहीं है, ये उसे चिंता करना है ना? हाँ आपने जब नौकरी पर रखा था उस व्यक्ति को तो ये सोच कर तो नहीं रखा होगा, या ये तो उससे नहीं कहे होंगे कि अब तुम पूरी जिंदगी मेरे यहाँ ही नौकरी करोगे, हम तुम्हारा पूरा जिम्मा लेते हैं पूरी जिंदगी का, ऐसा तो नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो संविदा की नौकरी होती है और जो परमानेंट नौकरी होती है, दोनों में बड़ा फर्क है। जो परमानेंट नौकरी होती है उसके नियम बने हुए हैं, परमानेंट नियम बने हैं, फिक्स हैं नियम, उन नियमों के अनुसार कुछ है तो रिटायरमेंट की उम्र तक लोग काम करते रहते हैं। संविदा वाली नौकरी के लिए विशेष कोई नियम नहीं बने हैं, जो नियम थोड़े बने भी हैं अपनी सुविधा अनुसार समय समय पर गवर्नमेंट बदलती रहती है कि कैसी जरूरत है उसको देख के बदलती है। तो पहले जो था नियम और अब जो नियम है, दोनों ही कंडीशन में एक ही नियम था कि कस्तूरबा में महिला टीचर होंगी, लेकिन पहले जो लोग थे सत्ता में उन लोगों ने पुरुषों को भी मौका दे दिया, तो ये गवर्नमेंट जब आई तो महिला कॉलेज है, महिला स्कूल है, तो महिलाएं होनी चाहिए, इस नियम का पालन करवाया कड़ाई से, तो पुरुषों को बाहर किया गया। अब इसके हाँ बाद उसमें उनको जो भी समझ में आया कि जो है SST के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, साइंस के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे टीचर थे जिनका कॉम्बिनेशन था ही नहीं और वो पढ़ा रहे थे कई सालों से, तो जो नियम है कि कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, आप जानते हैं जैसे SST कोई जो है पढ़ाना चाहता है SST 6 से 8 तक, तो उसका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, 4 में से कोई 2 विषय होना चाहिए। अब कोई SST का टीचर ऐसा है जिसका एक सब्जेक्ट इन 4ों में से तो है,
लेकिन जो है एक ही है, दो नहीं है। तो अब वो SST का टीचर जो रखा गया है तो वो नियम विरुद्ध हो गया, होना तो दो चाहिए इसमें से कम, लेकिन एक ही सब्जेक्ट उसके पास है, दूसरा सब्जेक्ट है ही नहीं। तो नियम अनुसार वो गलत जो है उसकी ज्वाइनिंग हुई है, तो गवर्नमेंट ऐसे लोगों को भी खोज खोज करके अगली बार ज्वाइन नहीं करने दी। अच्छा, संविदा जो होता है वो होता है मात्र 11 महीने का, हर साल जो है फिर से संविदा पर रखे जाते हैं लोग। अब वही लोग हाँ, रखे, रिन्यूअल होता है। हाँ हाँ वही लोग रखे जाएंगे तो उसको हम लोग रिन्यूअल बोल देते हैं, लेकिन नियम ये है कि फ्रेश रखा जाए, सब कुछ फ्रेश तरीके से हो। अगर नया कैंडिडेट जो है उससे अच्छा आता है तो उसको रख लिया जाए, लेकिन अपने यहाँ पुराना सिस्टम चल रहा है कि बस जो आ गया उसी को हर साल रिन्यूअल किए चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पर भी कड़ाई कर रही है कि नहीं, इस बार अगर 4 लोग संविदा पर पढ़ा रहे हैं तो फिर अगले साल रिन्यूअल करते समय, नई ज्वाइनिंग करते समय इन्हीं 4 को क्यों मौका दें? अन्य लोग भी तो बहुत सारे होंगे। तो इंटरव्यू कराती है कि भैया यहाँ पर 4 पद खाली हैं, जो लोग आवेदन करना चाहें कर लें। तो वो 4 भी आवेदन किए, अन्य बाहर के लोग भी आवेदन किए, इंटरव्यू हुआ या कोई एग्जाम हुआ, उसमें जो बेहतर प्रदर्शन किया गवर्नमेंट उनको रख ले रही है। यानी कि ये सब गवर्नमेंट का अपना सिस्टम है, नियम है, तो वो अपने तरीके से काम कर रही है। नियम अब पार्ट है टाइम या फुल टाइम टीचर की बात है, तो अब जैसे पार्ट टाइम टीचर की भर्ती निकली, रिन्यूअल होगा तो वैकेंसी निकलती है, लोगों को आवेदन करना होता है, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो तरीका होता है उस तरीके से सिलेक्शन होता है। अब अगर कोई टीचर है वो पार्ट टाइम में था और फिर से आवेदन किया पार्ट टाइम में, उसका नहीं हुआ, और फुल हाँ टाइम का भी निकला था उसने वहाँ भी आवेदन किया था, वहाँ हो गया, तो इस कारण से चेंज हुआ होगा। या कोई पद ऐसा रहा होगा जहाँ पर वो पार्ट टाइम रहा होगा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को किसी कारण से लगा होगा कि नहीं, ये टीचर तो यहाँ फुल टाइम होना चाहिए, तो उस पद को ही पार्ट टाइम की जगह फुल टाइम कर दिया, या कोई पद फुल टाइम रहा उसको पार्ट टाइम कर दिया। तो ये तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी है, वो अपनी जरूरतें विद्यालय की देख करके परिवर्तन करते रहते हैं। हम आप इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, वो तो बात सही है सर। मतलब विज्ञापन तो निकला था, मतलब पूर्ण कालिक के लिए, तो सारी शिक्षा तो सर पूर्ण कालिक का ही सब्जेक्ट था। शारीरिक और ये शिक्षा पूर्ण, हाँ नहीं, अगर नियमतः देखा जाए तो शारीरिक शिक्षा फुल टाइम टीचर का नहीं है। ये शारीरिक शिक्षा जो है एक दिन में एक कक्षा में जो है, एक दिन क्या, एक हफ्ते में एक कक्षा को 2 पीरियड से मिलता है, एक तो हफ्ते में दो पीरियड। उनको तो रोज ही पढ़ाना पड़ता है मैडम मैडम को। ये पहले क्या चल रहा था वो अब बदल रहा है ना। आप अच्छा जो है अच्छा केंद्रीय विद्यालय देखिए, नवोदय विद्यालय देखिए, वहां पर जो सिस्टम है अब वही चीज धीरे धीरे नए नियम बना करके यहाँ पर भी लाया जा रहा है। अच्छा तो कला, संगीत, कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, ये जो विषय हैं, एक कक्षा में सप्ताह में 2 पीरियड होगा इनका। अच्छा सर तो अगर कस्तूरबा जो है मान लेते हैं 8 तक है, 6 से 8 था पहले, तो 6 से 8 में एक एक कक्षा में दो दो पीरियड लेना है, तो 6 पीरियड हुआ हफ्ते का सिर्फ। हाँ अब 6 पीरियड के लिए किसी टीचर को फुल टाइम रखना क्या उचित होगा? तब भी नहीं, बस 6 पीरियड नहीं पढ़ाना है, और वो भी जो है एक एक पीरियड भी अगर रखा जाएगा हफ्ते में प्रतिदिन, तो 6 दिन में 6 पीरियड हो गए, तो वो जो है पार्ट टाइम टीचर से काम चल जाएगा। अच्छा, अगर इंटर तक हो गया कस्तूरबा, तो इंटर इंटर तक हो तब गया तो 4 कक्षाएं और बढ़ गई, और 3 पहले से थे तो 4 3 7 कक्षाएं हो गई। 7 कक्षाएं, 7ों में दो दो पीरियड, 7 दुना 14 पीरियड, 14 पीरियड भी जो है फुल टाइम की जरूरत नहीं है, पार्ट टाइम से काम चल जाएगा, क्योंकि दो दो पीरियड ही तो चलाना है तो ना। सर जैसे गणित का, हिंदी का भी और इनका भी तो एक ही एक पीरियड है तीनों तीनों क्लास में अभी। तो ये सब्जेक्ट टीचर हैं, और वो शारीरिक शिक्षा जो है सब्जेक्ट टीचर नहीं होता, मूल सब्जेक्ट में नहीं आता है। नहीं मूल सब्जेक्ट तो नहीं यार, सारे बच्चा मतलब तो पहले ये था कि शाम को भी वो पीटी और योगा वगैरह सुबह वही तो हम आपको उठा के बता योगा रहे हैं, कराती थी। वही तो हम आपको बता रहे हैं कि पहले में अब में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले जो चलता था, क्या जरूरी है आज वैसे? पहले लोग गाड़ी नहीं था, जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं था, पैदल यहाँ से वहां जाते थे। क्या आज भी आप पैदल चलना चाहेंगे? नहीं नहीं ना। चलना पड़े। आज आपको हाँ एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो आप सोचेंगे कि सुबह निकलें, जाएं अपना काम करें और शाम तक घर वापस आ जाएं, है ना?
अब पहले क्या होता था, लोगों को एक जगह दूसरी जगह जाने में कई कई दिन लगते थे, कई दिन जाते थे, फिर काम खत्म करते थे, फिर वहाँ कुछ दिन आराम करते थे, फिर आराम करके फिर उधर से चलते थे, फिर कुछ दिन लगता था, फिर वापस आते थे। लेकिन अब इतना कहाँ समय है, लोग तो सुबह निकलना चाहते हैं अपना काम करके, कुछ ही समय में वापस आना चाहते हैं। तो समय का परिवर्तन हुआ, हर चीज बदला, तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब इसको भी एक्सेप्ट कीजिए कि पहले पहले जो सिस्टम था वो कुछ और था, अब नए नए नियम बनाए जा रहे हैं जो अब की जरूरतें हैं, अब जो सिस्टम बनाया जा रहा है उसके अनुसार कर रही है गवर्नमेंट। और हमको आपको अभी पूरा सिस्टम जो है, हम लोग तो बाहर हैं, हम लोग को तो मान लीजिए वहां पर नौकरी मिलेगी तो पढ़ाना है, या जो पढ़ा रहा है उसे सिर्फ पढ़ाना है, लेकिन जो मैनेजमेंट देख रहा है, जो सिस्टम बना रहा है, उसको तय करना है ना क्या उचित है क्या उचित नहीं है, क्या बदलने की सही जरूरत है। बात है सर। अब जैसे आपका जमीन है, उस जमीन पर आपको खेती करना है या घर बनाना है, या आपने घर बना लिया है तो उस घर की डेंटिंग पेंटिंग कब करानी है, मरम्मत कब करानी है, करानी है इस साल नहीं करानी है, ये दुनिया भर के लोग चिंता करेंगे या जिसका घर है वो चिंता करेगा, जिसका घर है उसे चिंता करना होगा ना। तो जब गवर्नमेंट है, यूपी के अंदर स्कूल है, किसी जिले के अंदर स्कूल है, तो उन जो जिम्मेदारी जिसको दी गई है उसके जो अधिकारी होंगे, ये चिंता उनको करने दीजिए, हम आप चिंता क्यों करें कि कहाँ क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वो खुद ही अपना सारा चीज चिंता करें। उनको जिम्मेदारी दी गई, उसी के लिए रखा गया, उनको सैलरी दी जा रही है, पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम करेंगे क्या करेंगे कैसे करेंगे, ये सारा चिंता का विषय उनका है। हमारा आपका चिंता का विषय अपने बारे में है कि हम अपना भला कैसे करें, यहाँ मौका मिल रहा है तो यहाँ, यहाँ नहीं मिल रहा है तो कहीं और, जहाँ से मौका मिले वहाँ पर हम अपना प्रयास करेंगे, अपने लिए सोचेंगे। तो दुनिया में कौन क्या कर रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उसी में उलझा रहेगा तो वो अपना भला तो नहीं कर पाएगा। इसलिए दुनिया भर की चीजें देखिए जरूर, लेकिन वो आपकी ड्यूटी नहीं है, आपको नहीं करना है उसके बारे में चिंता, तो वो छोड़ दीजिए। उसका अधिकारी जो बनाया गया है, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, सवाल जवाब उससे होगा, वो अपना देगा, काम कर रहा है सही नहीं कर रहा है सही, ठीक है। सही बात है, हाँ, ठीक है। सिस्टम जो बदल रहा है, नए बदलाव हो रहे हैं, उनको देखिए समझिए कि जो बदलाव हो रहे हैं वो उसका क्या उद्देश्य है, वो अच्छे हैं नहीं है, बस उनको देखिए, देख करके समझिए, जानकारी रखिए, बाकी चिंता उसके बारे में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारा आपका विषय है ही नहीं वो उसके अधिकारी बने हैं, उनका विषय है। आप बस अपने अपनी चिंता कीजिए कि कैसे जो है हमें एक प्राइमरी की सहायक अध्यापक वाले पद मिल जाए, एक नौकरी मिल जाए, उसके लिए आपको पढ़ना है, सुपर टेट का सिलेबस लेकर के बस पढ़ाई जारी रखिए, ये आपका विषय है। सही बात सर। तो सर ये मतलब ये उच्ची तरह जैसे हुए हैं तो क्या कुछ पेमेंट वेमेंट बढ़ेगा जैसे पर पार्ट टाइम का? देखिए वहां पर नए पद बनाए जाएंगे कि नहीं बनाए जाएंगे, नए टीचर रखे जाएंगे नहीं रखे जाएंगे, पेमेंट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, ये सारा चिंता का विषय गवर्नमेंट का है। हाँ सही बात सर। आपको बस ये कि अगर आप संविदा पर पढ़ाना चाहते हैं तो जब वैकेंसी आएगी आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा, अगर आपको लगेगा कि हाँ हमें आवेदन करना चाहिए तो आप आवेदन कीजिएगा। अभी इसमें चिंता मत कीजिए पेमेंट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, बस हाथ आगे बढ़ा करके जो आप काम कर सकते हैं, जो हासिल कर सकते हैं, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए रखें फिर सर जी, नमस्ते सर जी, नमस्ते, गुड नाइट नमस्कार। सर। गुड नाइट।